वेलकम टू कैमवर्ड। मैं दीपेन कुमार हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर से अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल कैमवर्ड में। हमने अभी तक अपना सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट पूरा किया है, आज हम उसके आगे बात करने वाले हैं। तो पहले हमने कल क्या बात करी है उसके बारे में जरा आपको बता दें। तो कल हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे और केमिस्ट्री की ढेर सारी हमने बात करी थी। उसके बाद हमने जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ था वो था क्या, नेचर ऑफ मैटर। और नेचर ऑफ मैटर में मैंने बताया था कि जो भी मटेरियल क्या करे, जिसके पास मास हो और जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे वो क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है, इसकी बात हुई थी। और मैंने बताया था कि जो स्टेट है, थ्री फिजिकल स्टेट है मैटर की, पहली कौन सी है, सॉलिड है, दूसरी कौन सी है, लिक्विड है, और तीसरी कौन सी है, गैस है। ये तीन स्टेट में मैटर लाई करता है। मैंने सॉलिड की बात करी थी तो इनमें जो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मीन्स मॉलिक्यूल जो होते हैं वो टाइट पैक्ड होते हैं। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, और टाइटली पैक्ड होने की वजह से इनमें क्या होता है, प्रॉपर शेप होता है और प्रॉपर साइज होता है, या फिर बात करें शेप और साइज जो होता है उसका क्या होता है, ये डेफिनेट होता है। लेकिन अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है लेकिन स्ट्रांग नहीं होता, मीन जितना सॉलिड में होता उतना नहीं होता। इसकी वजह से ये क्या होते हैं, टाइटली पैक नहीं होते, ये मूव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जब ये मूव करेंगे तो जो इनका शेप होगा, देखो जो इनका शेप साइज डेफिनेट है, और यहाँ अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की तो वॉल्यूम भी इसका क्या है, सब कुछ डेफिनेट है। लेकिन अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ पे इसका क्या है, शेप डेफिनेट नहीं है, शेप चेंज हो जाता है, वॉल्यूम क्या है, फिक्स रहता है, या फिर कहें तो वो डेफिनेट रहता है। गैस की बात करें तो इसके में नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, मूव होते हैं और वो फास्टली मूव बस नहीं होते, बहुत ज़्यादा मूव होते हैं, और इसकी वजह से इसका ना तो शेप साइज और कहें तो वॉल्यूम ये सब क्या होते हैं, डेफिनेट नहीं होते, या फिर कहें तो नॉट फिक्स, क्या कह सकते हैं, नॉट फिक्स। मीन्स कहने का मतलब है अगर सॉलिड मटेरियल है तो सॉलिड मटेरियल को अगर देखो, अगर मैं इस मार्कर की ही बात करूं तो ये मार्कर एक प्रॉपर शेप में है, अगर ये स्फेरिकल है, सिलेंड्रिकल है तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में ही है, ये ऐसा तो है नहीं कि यहाँ का अलग हो जा रहा हो साइज, यहाँ का अलग, एकदम फिक्स है। इसको अगर हम इसको ब्रेक भी करें, अगर इस पर फोर्स लगाएं तो ये टूट जाएगा लेकिन दूसरे शेप में नहीं जाएगा। अगर हम बात करें लिक्विड की तो लिक्विड में क्या होता है कि जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है, वॉल्यूम फिक्स रहता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने पहले अगर वाटर लें, अगर हम गिलास में वाटर लें तो वो गिलास में रहेगा, जितना एक क्वांटिटी फिक्स कर दें तो उतना वाटर गिलास का शेप ले लेगा। फिर अगर उसको बाउल में डाल दें, कटोरे में डाल दें तो उसका ले लेगा, अगर मैं प्लेट में डाल दूं उसको तो वो प्लेट का साइज ले लेगा। मीन्स अगर उसको जिस भी बर्तन में डालेंगे, जिस भी थिंग्स में डालेंगे, जिस भी पॉट में रखेंगे उसको, वो उसका साइज ले लेगा, इसको कहते हैं उसको शेप ले लेगा, इसको कहते हैं क्या कि उसका शेप क्या होगा, चेंजेबल रहेगा। गैस की बात करें तो गैस में बिल्कुल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, मॉलिक्यूल भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं इधर से उधर, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, ना तो कोई शेप फिक्स रहता है, ना ही उनका वॉल्यूम फिक्स रहता है। इतनी बात करी थी, और हमने ये एक चीज और देख लो इसमें कि जो सॉलिड होता है, अगर सॉलिड चीज को हम क्या कर दें, हीट कर दें, सॉलिड चीज को क्या कर दें, अगर मैं हीट प्रोवाइड करा दूं तो वो किसमें बदल जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा, और लिक्विड को अगर मैं हीट प्रोवाइड करा दूं तो वो फर्दर किसमें बदल जाएगा, गैस में बदल जाएगा। तो क्या कह सकते हैं, गैस को लिक्विड में या लिक्विड को सॉलिड में बदल सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल बदल सकते हैं। अगर हम गैस को क्या करें, कोल्ड करें, ठंडा करें, और लिक्विड को अगर ठंडा करें तो वो क्या होगा, सॉलिड में आ जाएगा। तो ये प्रोसेस हम किसी भी सॉलिड को लिक्विड में ले जा सकते हैं, लिक्विड को गैस में ले जा सकते हैं, गैस को फिर से वापस ठंडा कर दे तो लिक्विड में आ जाएगा, और लिक्विड को फिर से ठंडा कर दे तो किसमें बदल जाएगा, वापस से सॉलिड में आ जाएगा। तो ये तो नेचर है किसका, मैटर का, ठीक है। इसके बाद हमने बात करी थी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में, देखा था हमने कि मैटर को क्लासिफाई किस तरह से करते थे। तो मैटर को क्लासिफाई जनरली दो तरह से किया जा सकता है, अगर मैटर है तो मैटर दो तरह से होगा, एक तो होगा वो मिक्सचर होगा, एक होगा मिक्सचर, दूसरा होगा क्या, प्योर सब्सटेंस, दूसरा क्या होगा, प्योर सब्सटेंस। अब अगर मैं मिक्सचर की बात करूं तो मिक्सचर भी दो तरह का था, एक था होमोजीनस, एक क्या था, होमोजीनस, और एक क्या था, हेटरोजीनस, लास्ट लेक्चर में देखा था हमने। प्योर सब्सटेंस की बात करें तो एक क्या था, एक था एलिमेंट और दूसरा क्या था, कंपाउंड, जिसमें हमने बात करी थी कि जो मिक्सचर होता है वो दो दो से
अधिक ज्यादा चीजों का क्या होता है, मतलब होता है मिक्सर होता है, जिसमें जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को किसी भी रेशियो में, कोई रेशियो फिक्स नहीं हो और ऐसे ही मिला दे तो उसको कहते हैं मिक्सर। और मिक्सर दो तरह से होता है, एक होमोजीनस एक हेट्रोजीनस। होमोजीनस में क्या होता है कि जो उनका रेशियो होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है, मीन्स जितना एक मिक्सचर होगा उतना ही दूसरा होगा और वो दोनों क्या होंगे, आपस में कंप्लीटली मिक्स होंगे, मीन्स हम उनको दोनों को अलग नहीं कर पाए। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था शुगर को हमने वाटर में डिजॉल्व किया था, तो ये क्या था, एक होमोजीनस मिक्सचर था जिसमें हमने देखा कि शुगर पूरी तरह से वाटर में क्या थी, डिजॉल्व थी। हेट्रोजीनस की बात करें तो इनका क्या होगा, रेशियो फिक्स नहीं होगा और ये क्या होगा, यूनिफॉर्म नहीं होगा। अगर मैं यूनिफॉर्म की बात करूं तो ये यूनिफॉर्म नहीं होगा, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा दिखना, तो जो हेट्रोजेनस होता है वो एक जैसा नहीं दिखता। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो मैंने एग्जाम्पल लिया था सैंड और शुगर का, जिनमें से ये दोनों एक दूसरे में सॉल्युबल या डिजॉल्व नहीं हो रहे थे, दोनों क्या थे, अलग अलग थे। तो ये तो बात थी मिक्सचर की। अगर हम बात करें एलिमेंट की, तो एलिमेंट क्या होता है, कोई भी सिंगल पार्टिकल, प्योर प्योर फॉर्म में कोई भी सिंगल पार्टिकल क्या होता है, एलिमेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन, कोई भी एटम ले लो, सोडियम, नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये क्या, ये कैसे होते हैं, ये मॉलिक्यूल फॉर्म में भी रहते हैं और ये एटम फॉर्म में भी रहते हैं, ठीक है। अगर कंपाउंड की बात करूं तो एक या एक से ज्यादा, वन एक कह रहा हूं, टू और जा टू दो और दो से ज्यादा जब एलिमेंट मिलते हैं तब बनता है कंपाउंड। अगर मैं बात करूं तो एक हाइड्रोजन, ये क्या है, एलिमेंट है। अगर मैं इसमें बात करूं तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो ये क्या है, H2। तो H2 क्या है, मॉलिक्यूल है, कंपाउंड नहीं है, ध्यान देना। जो कंपाउंड होता है उसमें दो अलग अलग होते हैं, ये दोनों क्या है, सेम है। तो जब दो 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 अलग अलग एलिमेंट आपस में मिलते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं कि H2 ले लिया और साथ में O ले लिया, तो ये क्या बन गया, H2O बन गया। तो ये क्या है, ये कंपाउंड है जिसमें दो अलग अलग एलिमेंट है, ये मॉलिक्यूल है जिसमें एक सेम एक ही तरह के एलिमेंट है वो क्या है, मॉलिक्यूल है, जिसमें अलग अलग एलिमेंट है वो क्या है, कंपाउंड है। ये बात हमने कर रखी थी। इसके बाद हमने बात करी थी कि हम मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं मैटर में, सब्सटेंस में, किसी भी चीज का। तो मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो उनके लिए हमें फिजिकल क्वांटिटी देखी थी। तो फिजिकल क्वांटिटी में हमें जनरली मेजर करना होता है उस मॉलिक्यूल का वेट कितना है, उस मॉलिक्यूल का साइज क्या है, मॉलिक्यूल का शेप क्या है, मॉलिक्यूल का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर का मतलब होता है महक से होता है, ठीक है, तो स्मेल से होता है। तो इन सब बातों के लिए हमने 7 तरीके से यूनिट देखी, ठीक है। उन यूनिट्स के बाद हमें जो आज अपना टॉपिक स्टार्ट करना है, उनमें से कुछ और फिजिकल क्वांटिटीज हैं, सम फिजिकल क्वांटिटीज, इनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इनमें जो सबसे पहली फिजिकल क्वांटिटीज है वो क्या है, वो है मास, मास एंड वेट। तो हम आज बात करेंगे सबसे पहले मास और वेट की। तो मास और वेट होता क्या है कि अगर कुछ भी अमाउंट है किसी भी मैटर में, कुछ अमाउंट अगर किसी भी मैटर का हमने अमाउंट लिया किसी भी स्टेट में लिया, तो उसमें कुछ ना कुछ वेट होगा, कुछ ना कुछ मास होगा, उससे उसी को हम कहते हैं क्या, उसका मास, और उसका मास कहेंगे। जैसे अगर मैं वेट की डेफिनेशन देना चाहूं तो क्या कहूंगा कि वेट इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो अगर ये अपने अर्थ में है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा और इसको नीचे नीचे की ओर खींचेगा। तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से इस पे जो फोर्स जनरेट होगा, इस पे जो फोर्स जनरेट होगा, मीन्स यहाँ पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और इस ये भी तो अपने आप को वजन वजन मानेगा, अपने आप को हैवी करेगा, तो वो होगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो फोर्स जनरेट होगा किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी ऑब्जेक्ट में, वो क्या होगा, उसका वेट होगा। तो वेट को जनरली हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो W होता है, W जो टोटल आता है वो क्या आता है, मास, जो उसका कुछ कुछ मास होगा उसमें जब इंटू जी का हो जाएगा, ठीक है। जी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, एक तो खुद का वेट और नीचे खींच रहा है उसका, दोनों का क्या आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया, तो इसको कहेंगे क्या, हम वेट कहेंगे। अगर हम बात करें SI यूनिट की, SI यूनिट की बात करें या फिर सिर्फ यूनिट की बात करें, तो यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ वेट जो होता है, यूनिट ऑफ वेट होता है न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, ठीक है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट फिजिकल यूनिट की या क्वांटिटी की, जो कि है दूसरी क्या, वॉल्यूम।
दूसरी क्या है, वॉल्यूम है। जनरली जो वॉल्यूम होता है वो किसी सब्सटेंस के द्वारा ऑक्यूपाइड किया गया स्पेस होता है। जैसे अगर मैंने इस कंटेनर में कोई गैस भरी हुई है या कोई लिक्विड भरा हुआ है तो ये इस पूरे स्पेस को कवर करेगा, इसके अंदर के पूरे पूरी सरफेस को कवर करेगा। सरफेस क्या कह रहा हूँ, इसके पूरी जितनी भी जगह है इसके अंदर उसको पूरे को कवर करने बैठ जाएगा। और जब वो पूरा कवर करेगा तो वो क्या होगा, इस कंटेनर के लिए या फिर इस सब्सटेंस के लिए जो इसमें डाला गया है उसका क्या होगा, वो वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो जो SI यूनिट होती है, SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम जो होती है, जो डिसाइड की गई है वो क्या है, वो है मीटर क्यूब। वो क्या है, मीटर क्यूब। अरे भाई कंटेनर है तो उसमें ये भी होगा, लेंथ भी होगा, उसकी ब्रेथ भी होगी और उसकी पूरी हाइट, टोटल हाइट भी होगी, और ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो टोटल आया मीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन अगर हम कॉमन यूनिट की बात करें तो कॉमन यूनिट जो है वॉल्यूम की, जो कॉमन यूनिट है वो क्या है, लीटर। हम जब भी लिक्विड मटेरियल को कुछ करते हैं या फिर गैसीय मटेरियल को करते हैं तो हम उसको यूनिट क्या ले लेते हैं, हम लीटर मान के चलते हैं। तो अगर मैं कहूं कि जो 1 लीटर है तो 1 लीटर किसके इक्वल होगा, 10^3 मीटर के इक्वल होगा, सॉरी ML के इक्वल होगा। और ये इक्वल होगा किसके, ये होगा 10^3 सेंटीमीटर, 10^3 क्यूब। ठीक है, और ये इक्वल होगा किसके, 1 dm³ के। तो अगर मैं कहूं कि 1 लीटर में कितने dm³, तो 1 लीटर में 1 dm³, 1 लीटर में अगर मैं कहूं कितने सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 लीटर में 10^3 मीटर सेंटीमीटर क्यूब, और 1 लीटर में अगर मैं कहूं कितने ml, तो 10^3 ml, या फिर कह सकते हैं 1000 ml। 3 है ना भाई, 3 है, 1 है, ये पावर कितनी है, 3, 1 2 3 आ गया, 1 2 3 आ गया ना। तो ये क्या है, 1 लीटर में 1000 ml। ये वही चीज है, कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। अगर मैं बात करूं अगली फिजिकल क्वांटिटी की तो वो मैं लेके आऊंगा डेंसिटी को। डेंसिटी कितना ज्यादा वो डेंस है, अंदर से कितना मटेरियल कंटेन कर रहा है। तो डेंसिटी की अगर मैं बात करूंगा तो डेंसिटी क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम है। डेंसिटी क्या है, किसी चीज की डेंसिटी उसके जो वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम है, उसका क्या है, मास है। मास पर यूनिट वॉल्यूम में जो प्रेजेंट है वो क्या, उसकी डेंसिटी है। तो अगर मैं यहां से जनरेट करना चाहूं क्या, SI यूनिट ऑफ डेंसिटी, या फिर मैं फॉर्मूला लिखूं तो डेंसिटी डी इक्वल होगा क्या, मास m डिवाइडेड बाय वॉल्यूम v। ठीक है, तो डी इक्वल mv, इसको कई जगह यूज करेंगे आगे चल के, आगे के चैप्टर्स में। जब अगर मैं SI यूनिट निकालना चाहूं तो SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट ऑफ डेंसिटी इक्वल होगा SI यूनिट ऑफ मास डिवाइडेड बाय SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो ये क्या होगा, इन दोनों के रिस्पेक्ट में आएगी। तो जो SI यूनिट ऑफ मास होती है वो क्या होती है, किलोग्राम, यही तो पढ़ा था अभी लास्ट लेक्चर में, तो पढ़े थे किलोग्राम। और जो वॉल्यूम की होती है वो क्या होती है, अभी अभी देखा है मीटर क्यूब। तो जो इसकी यूनिट आएगी वो आएगी किलोग्राम, मीटर क्यूब को ऊपर ले जाओगे तो माइनस का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, SI यूनिट ऑफ क्या है, डेंसिटी है, किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स, ऐसा कह सकते हैं, किलोग्राम मीटर क्यूब इनवर्स। तो ये क्या हो गई, डेंसिटी की हो गई। अब बात कर लेते हैं अगले फिजिकल क्वांटिटी की जिसका नाम है टेम्परेचर। क्या नाम है उसका, टेम्परेचर नाम है। तो अगली बात करते हैं हम किसकी, टेम्परेचर की। तो जनरली जो टेम्परेचर होता है इसकी जो SI यूनिट होती है, कल के लेक्चर में देखा था SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या होती है, केल्विन। लेकिन केल्विन से हटके दो और स्केल है टेम्परेचर की, स्केल है। तो वो जो दो स्केल है, पहली दूसरी, पहली जो स्केल है वो डिग्री सेल्सियस वाली है, दूसरी जो स्केल है वो डिग्री फारेनहाइट वाली है। तो डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट और केल्विन की अगर मैं बात करूं तो जो डिग्री सेल्सियस वाली स्केल होती है वो 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक रहती है। अगर मैं डिग्री फारेनहाइट की बात करूं तो जो डिग्री फारेनहाइट होती है वो 32 डिग्री फारेनहाइट से, 32 डिग्री फारेनहाइट से 212 डिग्री फारेनहाइट तक रहती है। अगर मैं तीसरी जो आपकी मेन है केल्विन स्केल की बात करूं तो जो केल्विन स्केल होती है वो 273.15,
क्या ही ले रहा हूँ मैं, 1.5 273 केल्विन ले लो, और 273 केल्विन से 373 केल्विन के बीच में केल्विन स्केल होती है। अब बात आती है जो क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन रिस्पेक्ट में आते हैं इंटर कन्वर्जन में, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्केल मीन्स हम डिग्री फॉरेनहाइट से केल्विन में कैसे, डिग्री फॉरेनहाइट में कैसे जाएंगे, केल्विन में जाएंगे, डिग्री सेल्सियस से कैसे हम चेंज करेंगे। तो अगर हम डिग्री सेल्सियस से कहाँ जाने वाले हैं, हम डिग्री फॉरेनहाइट में जाने वाले हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो डिग्री फॉरेनहाइट में जाने का जो फॉर्मूला है तो सिंपल है, केवल क्या करना है 9/5 जो डिग्री सेल्सियस आपको दिया गया है और प्लस कर देना उसके साथ में 32, प्लस कर दोगे 32, मार्कर भी नहीं साथ में 32, तो होगा क्या, जैसे अगर मैं कहूं कि 25 डिग्री सेल्सियस है तो इसको अगर चेंज करना है तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस की जगह 25 रख दो इंटू 32, 5 1 5 5 5 25, और 9 × 5 क्या होता है 9 5 45 प्लस 32 ओवरऑल कितना आएगा 2 5 7 4 3 7 77 डिग्री फॉरेनहाइट, ये क्या आया 25 डिग्री सेल्सियस को 77 डिग्री फॉरेनहाइट बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला किसका है, ये डिग्री सेल्सियस से डिग्री फॉरेनहाइट में जाने का फॉर्मूला है। अगर मैं बात करूं कि मुझे डिग्री सेल्सियस से कहां जाना है, केल्विन स्केल में जाना है, तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास 27 डिग्री सेल्सियस है, मैं रैंडम उठा रहा हूं, आप कुछ भी लेके देख सकते हो, 27 डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में चेंज करना है, तो जिसके लिए जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस में सिर्फ और सिर्फ 273 प्लस कर देना है, जितना भी आए डिग्री सेल्सियस उसमें 273 प्लस कर देना है, तो 27 प्लस 273 इक्वल हो जाएगा 300 केल्विन के। तो ये क्या है, ये टेम्परेचर स्केल ली गई है, ठीक है। तो टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, कैसे उनमें इंटर कन्वर्जन करते हैं, इस बारे में बात करी। अब जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, जिससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि 11th है, होम एग्जाम ही होता है, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनका एग्जाम पेपर बाहर से आता है, ठीक है। तो उनके लिए जो मेन अपने पास जो टॉपिक आने वाला, वो टॉपिक का नाम है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट लिख दो भाई, तो ये अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट होता क्या है, इसके बारे में देख लो भाई। हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल्स होते हैं, केमिस्ट्री में या फिर साइंस में बात करें, अगर स्पीड ऑफ लाइट की बात करें तो उसका भी एक डेटा होता है, तो हर एक चीज़ का डेटा होता है, जिसमें वो डेटा हो सकता है स्मॉल क्वांटिटी का हो, एक दो नंबर का हो, और हो सकता है वो लाखों मिलियंस बिलियंस में नंबर हो। तो इन सब डेटा को साथ में लेके उनके रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन करना, जैसे मल्टीप्लिकेशन करना है किसी भी डेटा का, किसी दो डेटा है उनका अगर रिस्पेक्ट में निकालना है, या फिर कोई सी भी कैलकुलेशन जो इन्वॉल्व होती है हमारे इस डेटा को एनालिसिस करने में, डेटा लिखने में, तो उनकी वजह से क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। लॉन्ग डेटा होगा तो हर बार हम ऐड करने में इतना बड़ा डेटा रखेंगे, मल्टीप्लाई में इतना बड़ा मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो एक क्या होता है, टफ टास्क हो जाता है, जो कि नॉर्मल हम यूज नहीं करते। उन सबको ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम अप्लाई करते हैं, जिनमें से सबसे पहला होता है साइंटिफिक नोटेशन। पहला क्या है, साइंटिफिक नोटेशन। दूसरा जो है उसके अंदर वो है क्या, सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरा क्या है, सिग्निफिकेंट। हम आज इन्हीं की बात करने वाले हैं, तो पहले बात करते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन की। तो जनरली साइंटिफिक नोटेशन का मतलब ये है कि जो हम बड़ी बड़ी लेबोरेटरी में जो साइंटिस्ट हैं वो रिसर्च करते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, वो लोग जो यूज करते हैं नोटेशन को, उसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। जनरली वो इस तरह से रिप्रेजेंट होता है, एक फॉर्मूला होता है जिसमें n इंटू 10^n रखते हैं, जहां n जो है वो नंबर वेरी करता है 1 से लेके 10 के बीच में। और अगर n की बात करें तो n में 1 से लेके आगे तक 100 मान लो, बहुत है 100, ठीक है। यहां पे क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव पावर चलती है,
क्योंकि ये 10 की पावर में है, इसको नोटेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नोटेशन। जैसे अगर मैं लिख दूं कोई डेटा, आपके समझने के लिए अगर मैं कोई डेटा लेके चलूं और मैं कह दूं कि आप 1354.007, अब ये डेटा है, अगर इतना बड़ा डेटा, एक ये और एक और ले लो, एक ले लो 0.002345, मैं रैंडम उठा रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ इन दोनों डेटा का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों डेटा का डिवाइड करो, इन दोनों डेटा को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो बहुत टफ टास्क है इतनी बड़ी वैल्यू को लेके चलने का। तो इसके लिए जो साइंटिफिक नोटेशन आया, उसने बहुत ही इसको इजी कर दिया। उसने क्या किया कि ये जो डेसिमल है, इस डेसिमल को हम आगे शिफ्ट करके 1 पॉइंट तक ले आ सकते हैं। मीन्स हम कह रहे हैं कि 1.3 आ जाएगा, और जब ये 1.3 आ जाएगा और लास्ट की वैल्यू क्या है 5407, इसको भी रख सकते हैं अगर आप रखना चाहो, और इनटू में क्या हो जाएगा, आप कितनी डिजिट आगे लाए हो, 1 2 3, कितनी डिजिट लाए, 3, तो इनटू में क्या हो जाएगा, इनटू में आ जाएगा 10 to the power 3। ठीक है, या फिर मैं इसी इसी वाली को क्या लिख सकता हूँ, इतना बड़ा ना लिख के ये जो 54 है इसको भी छोटा कर सकता हूँ, तो इसको कर सकता हूँ मैं, ये 3 5 आ जाएगा into 10 to the power 3। तो ये डेटा छोटा है और इसको यूज करना बहुत इजी है। अगर मैं इस वाले डेटा की बात करूं तो इसमें क्या है, हमें डेसिमल पॉइंट को इस साइड शिफ्ट करना है, 1 2 3 4 4 शिफ्ट करना है, तो 2.345 आ जाएगा into 10 की पावर, ये कितना है 4 गया है, तो ये हो जाएगा -4। तो ये साइंटिफिक नोटेशन यूज करके हम इनको सिंपली छोटा छोटा कर सकते हैं। अब ये तो रही बात कि मैंने बता दिया कि कैसे छोटा करना है। अब कैलकुलेशन देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते करते हम डेटा में मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो अगर मैं एग्जांपल लूं, मैंने एग्जांपल लिया 2.5 × 10 की पावर 6, एक डेटा ये, और इसका इंटू कराना है मुझे 4.0 × 10 टू द पावर 7, इनका मल्टीप्लाई कराना है। तो नॉर्मल क्या होता है, जो जो बिना एक्सपोनेंट के है उसको पहले लिख दो 2.5 और 4.0, अब जो एक्सपोनेंट है उसको पास पास लिख दो। अब आपने पढ़ा है कि अगर बेस सेम हो, इसकी क्या हो, पावर डिफरेंट हो, बेस सेम हो, पावर डिफरेंस हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, तो जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। इनका इनका क्या करें, आप जब इंटू कराओगे तो अगर मैं डेसिमल कंसीडर ना करूं तो 25 4 100 होगा, और ये दो डेसिमल में आएगा तो 1 पे आएगा, कितना आएगा, सॉरी ये दो एक, इसका तो है नहीं, एक आएगा, तो ये 10 पे आएगा, और इंटू क्या है 10, और 6 + 7, तो ये हो जाएगा 10 × 10 की पावर कितना है 13। लेकिन क्या हमें एक पॉइंट में लेना है, तो 1.0 हमने पॉइंट आगे बढ़ाया, तो जो इसकी पावर है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जब पॉजिटिव में होगा और पावर ये पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में, तो ये क्या होगी, पावर बढ़ जाएगी। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। अगर मैं कहूं कि आप डिवीजन करके दिखाओ, डिवाइड करो, आप क्या करो, आप डिवाइड करो, अगर मैं क्वेश्चन दूं, कह दूं 2.7 × 10 टू द पावर -5 को डिवाइड करना है आपको 3.0 × 10 टू द पावर 6 के साथ, तो आप क्या करोगे, 2.7 रखोगे × 10 टू पावर -5, डिवाइड करोगे 3.0 × 10 की पावर 6 से। जब डिवाइड करोगे तो ये जो पावर है आप इसको ऊपर ले जा सकते हो, बस ध्यान रखना पड़ेगा आपके पावर के आगे साइन क्या है। तो यहाँ पॉजिटिव है, जब ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा नेगेटिव फॉर्म में, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3927 होता है, लेकिन एक डेसिमल था तो 0.9 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.9 × 10 टू द पावर -5 × 10 टू द पावर -6, क्योंकि ये प्लस में थी, ऊपर साइड गई तो माइनस में हो गई। और आपको पता है कि जब बेस सेम हो, पावर डिफरेंस हो, मल्टीप्लाई का साइन हो, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, और जब ऐड होंगी तो 0.9 × 10 टू द पावर -5, और माइनस अगर प्लस करके -6 करोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 0.9 और -6 − -5 कितना होता है 11, तो 10 टू द पावर -11, तो ये क्या आएगा, ये रिजल्ट आएगा जिसमें 0.9 में। अब हम इसको, हमने देखा है कि जो साइंटिफिक नोटेशन होता है वो 1 to 10 वेरी करता है, 0 पॉइंट में नहीं करता, तो हमें यहाँ 9 लेना पड़ेगा, और जब 9 लेंगे डेसिमल को इधर शिफ्ट करेंगे तो जो माइनस की पावर है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, वो हो जाएगा 12। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिखे दे रहा हूँ, तो आ जाएगा 9 × 10 टू द पावर -5
12 इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये हमने देखा सिंपली कि कैसे हम साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते करते मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब हमें साइंटिफिक नोटेशन का यूज करते करते एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। अब क्योंकि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में बहुत सिंपल था, हमें कोई सा भी ध्यान देने वाली बात नहीं थी, लेकिन हम जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो एक बात याद रखनी पड़ेगी कि जो 10 की पावर होगी, अगर ये 10 की पावर x है और ये 10 की पावर y है, दो अलग अलग केस हैं, तो इनमें यूज नहीं होगा, उसको हमें 10 की पावर x और 10 की पावर x में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीन्स हमें 10 की जो पावर है उसको सेम करना पड़ेगा। सबसे पहला ये है, जो एक्सपोनेंट है उसकी पावर हमें सेव करना पड़ेगा, हमारा सबसे पहला रूल है। उसके अंदर हम पहला केस देखने वाले हैं एडिशन के रिस्पेक्ट में। तो एडिशन के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो मैं सवाल ले लेता हूं, 3.36 इंटू 10 टू दी पावर 5, इसको प्लस करना है आपको 2.96 इंटू 10 टू दी पावर 6 के साथ में। जब आप इसको प्लस करोगे तो अभी आप देखो कि ये पावर डिफरेंट है, एक में 5 है, एक में क्या है 5 है और एक में 6 है, और दोनों अलग अलग हैं। तो हमारी सबसे पहली प्रियोरिटी बनती है कि इसको एक जैसा कर लें। तो लेट सपोज हम इसके जैसा कर लें, इसको भी हम 10 के पावर 5 में करेंगे, दैट मीन्स हमें एक पावर घटानी पड़ेगी, और जब एक पावर घटाएंगे तो एक पावर तभी घटेगी जब हम इस वाले डेसिमल को इस तरफ राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। तो ये हो जाएगा 3.36 इंटू 10 टू दी पावर 5 प्लस 29.6, देखो डिफरेंस आ गया, इंटू 10 टू पावर 5। अब पावर सेम है, कॉमन ले सकते हैं, तो 3.36 प्लस 29.6 यहाँ पे इनटू में क्या आ जाएगा 10 के पावर 5, और जब इनको प्लस करेंगे तो जब प्लस करेंगे तो इनकी वैल्यू आएगी कितनी, 32.96। प्लस करके देख लेना, इनटू 10 टू द पावर 5। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन कहती है कि 1 से 10 तक वेरी करता है, मींस उसको और छोटा करना पड़ेगा। जब छोटा करेंगे तो डेसिमल को इधर शिफ्ट करेंगे, और जब इधर शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड में, तो पावर बढ़ जाएगी और हो जाएगा 3.296 इनटू 10 की पावर 6। तो ये वैल्यू किसकी आ गई, एडिशन की। अगर मैं कहूँ कि आप सब्ट्रैक्ट करो, तो इसमें भी बस वही देखना है आपको, पावर सेम करनी पड़ेगी। अगर एग्जांपल ले लूँ मैं 3.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और इसको माइनस करना है 11.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7 से। तो आपकी प्रियोरिटी है आप पावर सेम करो, तो लेट सपोज 10 की पावर माइनस 6 में कर लेते हैं, तो ये वाली जो वैल्यू रहेगी ये सेम रहेगी माइनस 6 में ही, लेकिन ये वाली जो वैल्यू रहेगी, क्योंकि हमें इस पावर को घटाना है, जब पावर को घटाएंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि ये पावर माइनस में है तो आगे तरफ ले आएंगे, तो 1.15 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ठीक है, क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6, आप कॉमन ले लो 3.5 माइनस 1.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, और जब इसको माइनस करोगे तो आएगा 2.35 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और इसको 2 की फॉर्म में ही है, इसको चेंज करने की नीड नहीं है। तो ये आ गया आंसर। तो ये है केस किसका, जिसमें हम यूज करते हैं, कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन को डिफरेंट डिफरेंट डेटा कैलकुलेशन में, जिसका मतलब हम एडिशन भी कर सकते हैं उसका, मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हैं, डिवीजन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। अब जो बात करनी है वो बात हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, किसकी, सिग्निफिकेंट फिगर की। सिग्निफिकेंट फिगर, तो इनमें हम यूज करेंगे राउंड ऑफ वाले रूल, कि हम सपोज कर लेते हैं कि ये, अगर ये 0.25 है तो ये इसी तरफ लाई करेगा, मीन्स हम 2 ही रखेंगे, 20 में ही रखेंगे, अगर 50 के ऊपर चला गया, तो वो सब हम डिस्कस अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक बने रहिए मेरे साथ, कैमवर्ड के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी अपकमिंग वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम स्टे हेल्दी।